सो दोस्तों हम आ चुके हैं बुली के पास। अभी देखो क्या करेगा ये, इधर चढ़ जाता है, ये टांग पकड़ लेता। काबू, ये काबू है काबू। हेलो गाइस, मनीष रणवीर सिंह बीस्ट साइड। मैंने पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया, आप देख रहे होंगे मैं पूरा फुल बैठा हूँ, आराम से एडिटिंग कर रहा हूँ। और मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ अपनी नानी घर में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होंगी तो कैसे पता रहेगा मैं अपने मामू की दुकान में बैठा हूँ। यार अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन लिंक कर रहा है, जाओ देखो, बहुत अच्छी प्रमोशनल वीडियो है शॉप की। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मैंने दिखाए हैं, फैशन वीडियो भी कह सकते हो आप उसे, जो कहना कह लो, बट वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है? पहले वाली देखो फिर वो देखना, ओके? लास्ट में भी दिख जाएगा उसका आउटरो में। पहले पूरी वीडियो देखोगे तो तब दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, देखो पूरी वीडियो। सो मैंने कल भी वीडियो शूट की थी, मैं नानी घर कल आया था और मैंने वो वीडियो शूट करी थी, बट वो ड्यू टू सम रीजंस वो वीडियो डिलीट हो गई। आई डोंट नो कैसे ना कैसे, नहीं पता नहीं क्या चल रहा है ज़िंदगी में। छोड़ो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने लोगों को काम करना है और आपको कंटेंट देना है प्यारा सा, और इंटरटेनमेंट करना है आपके साथ बहुत सारा। सो बने रहें ब्लॉग में। आज मैं हूँ शॉप पे, मामू गए हैं रियासी, वो आएंगे, उनसे भी मिलाया जाएगा। तब तक के लिए आप बैठो, मैं करता हूँ एडिटिंग, उसके बाद मिलते हैं यार थोड़ी देर बाद। सो फाइनल दोस्तों, एडिटिंग डन और मैं हूँ पोनी में फिलहाल अपने मामू की शॉप पे, जैसे कि बताया आपको पहले भी। और मैं आपको दे देता हूँ एक थोड़ा सा वॉक अराउंड देता हूँ लाइक शॉप का, बाकी अगर डिटेल में वीडियो देखनी है तो देख लेना, मैंने पहले भी बोला ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट चलो एक वॉक अराउंड देता हूँ आपको मैं शॉप का, तब तक आप करो सिनेमैटिक को इन्जॉय। आपने देखा एक शॉप का वॉक अराउंड, अगर आपको फुली डिटेल वीडियो देखनी है तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ जाके देख लो। तब तक के लिए मैं बैठता हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। 2 hours later दोस्तों, मेरे खाली दिमाग में एक ख्याल आया है, कहते ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो मेरे एक शरारत करने का मन कर रहा है मेरे को अभी। और आपको अगर थ्री फैक्ट बॉय हमारे आविद मलिक के बारे में नहीं पता, आविद भाई के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा, वो यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी आप जाके देख लेना, आविद भाई का देख लेना यार, सर्च करके काफ़ी मशहूर बंदे हैं जम्मू के, पता ही होगा। फिलहाल मैं उनको करने वाला हूँ अपने न्यू वाले नंबर से कॉल, उनके पास वो नंबर नहीं है, उनके साथ छोटा सा प्रैंक करेंगे, वो तो अभी बनाया नहीं है प्रैंक मैंने, जस्ट ऐसे ही जो भी मन में आएगा बोल देंगे, बट अब करते हैं उनको कॉल। दोस्तों मैंने कॉल लगा दी है। हेलो हेलो, आविद सर से बात हो रही है मेरी? भैया बिग फैन भैया। भैया मैं जम्मू से बोल रहा हूँ भैया, मैंने बड़ी मुश्किल से आपका नंबर लिया भैया, बिग फैन भैया, फ़ोन मत काटना प्लीज़ भैया। भैया भैया मिल सकते हो मेरे से प्लीज़ भैया? भैया सच्ची बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भैया, राहुल नाम है भैया, प्लीज़ भैया फ़ोन मत काटना भैया प्लीज़। हाँ जी हाँ जी भैया, भैया जम्मू से हूँ भैया, प्लीज़ फ़ोन मत काटना भैया, बहुत मुश्किल से नंबर लिया भैया। हाँ जी भैया, मेरे साथ ऑलरेडी बड़े प्रैंक हुए ब्रो। नहीं भैया प्रैंक नहीं कर रहा भैया, प्लीज़ भैया फ़ोन मत काटना। आप कहाँ पे? भैया मैं जम्मू से ही बोल रहा हूँ भैया, मैं बख्शी नगर रहता हूँ जम्मू। बख्शी नगर? हाँ जी भैया। अच्छा जी भैया, ठीक है ब्रो। भैया प्लीज़ फ़ोन मत काटना भैया, बिग फैन भैया। भैया प्लीज़ मिलोगे मेरे से एक बार? भैया एक फ़ोटो डालनी है भैया, मेरे दोस्त मेरे से यकीन नहीं करते, कहते तू आविद भैया को नहीं जानता, मैंने कहा मैं जानता हूँ, प्लीज़ भैया प्लीज़ भैया एक बार मिलोगे जब आओगे? हाँ भैया, आपने आना कब है जम्मू? हाँ भैया, आपने बख्शीनगर आना कब है? ठीक है भैया, प्लीज़ भैया एक बार मिल लेना भैया प्लीज़। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच भैया, आपका नंबर से भैया डिलीट मत करना मेरा नंबर प्लीज़ भैया, ब्लॉग नहीं मारना। ठीक है भैया, थैंक यू थैंक यू।
सॉरी आबिद भैया अगर आप ये देख रहे हो, आपसे देखकर प्रैंक हो गया। उन्होंने मेरे को कहा भी कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रैंक हो चुके हैं, बट मैंने फिर भी उनके साथ प्रैंक कर दिया और अब मैं इनको कॉल करूँगा और सच में बता दूंगा, सॉरी मांग लूँगा। बट आबिद भैया दिल से प्यार आपके लिए, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका, मैं मिला भी हूँ आपसे, सो फैन तो मैं हूँ, बट मजाक था एक छोटा सा, आपके साथ छोटा सा प्रैंक कर दिया मैंने। चलो ये प्रैंक ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, मैं प्रैंक्स की दुनिया में हूँ भी नहीं, बट स्टिल थोड़ा फन करने का सोचा, तभी कॉल करके बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। और चलो बताते हैं यार, ज़्यादा नहीं। हेलो आबिद भैया, पहचाना नहीं? खत्म खत्म प्रैंक हो गया आपके साथ एक छोटा सा। अच्छा फिर अभी मेरी ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे आप? प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं फिलहाल, मेरे हमने एक नया नंबर लिया, मैं सोचा आबिद भी ऐसे ही प्रैंक किया जाए। तो यार बुरा मत लगाना, ऐसे फैन तो हम आपके दिल से हैं। सो दोस्तों मेरे को यहाँ पे बैठे काफ़ी टाइम हो चुका है और 12:30 हो गए हैं, मैंने 8 बजे ब्रेकफास्ट करा था और मेरे को अब लग चुकी है भूख। सो मेरा खाने का मन कर रहा है, क्या खाया जाए? कुलचा खाते हैं यार, यहाँ का कुलचा बड़ा फेमस है, कुलचा खाते हैं। सो ऐसे तो है नहीं यार मेरे पास, बट स्टिल जादू तो है ना, सो जादू टोना करेंगे और कुलचा लाएंगे, ठीक है? आबरगढ़ आबरगढ़ आबरा आबरा टेंटड़े, कुलचा मेरे पास आ गया जादू से वो भी, अब इसको खाएंगे और मिलते हैं थोड़ी देर। 2 hours later दोस्तों कुलचा खा लिया, दोपहर का टाइम हो गया, 4 बज रहे हैं और अभी मेरा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का। सो आइसक्रीम मेरी एक ही फेवरेट है यार, बटर स्कॉच, अगर आपको नहीं पता है तो, मैंने बताया नहीं कभी, वैसे पता कहाँ से होगा, मेरी एक ही फेवरेट है, बट मेरे पास पैसे ही नहीं है यार, कुछ तो तिगड़म लगाना पड़ेगा। सो गिली गिली मंतर आइसक्रीम हाजिर हो, ओ आइसक्रीम हाजिर, सो बटर स्कॉच मेरे पास हाजिर है विदाउट पैसा, सो अभी खाते हैं इसको। तो आप सोचेंगे कि बैकग्राउंड फिर से चेंज, हाँ मैं आ चुका हूँ नानी घर में वापस, और मैंने कल एक शॉट पहले दिखाया था, वो जो क्लिप स्प्लिट हो गई ना उसमें दिखाया था वो शॉट, अब फिर से दिखाता हूँ। एक ड्रोन शॉट भी निकाला था तो वो भी देख लेना तुम, आई होप आपको मज़ा आया होगा। बट हाँ एक टाइम लैप्स भी था, वो भी डिलीट हो गया था, बट अब वापस निकालेंगे टाइम लैप्स। आज मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा मौसम, और एक व्यू दिखाता हूँ अभी, तो आप व्यू को इन्जॉय करो, अगर व्यू पसंद आया हो ना, वो गाँव का व्यू है, विलेज में ही मिलेगा वो, मतलब व्यू और कहीं नहीं मिलेगा आपको, सिटीज़ में नहीं मिलेगा। सो अभी देखो आप वो व्यू, तो दोस्तों आप व्यू देख सकते हो, चारों ओर ग्रीनरी और ये सारे खेत अपने हैं, जितने भी खेत आप देख सकते हैं सब अपने हैं, ये वो अपनी गाड़ी लगी है, और आप सारी साइड आप व्यू देख सकते हो, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, और मौसम इतना प्यारा है कि कोई बात ही नहीं। ये मज़े होते हैं विलेज लाइफ में जो हम सिटी वाले लोग मिस कर जाते हैं। तो मुझे पहले कमेंट्स में ये बताओ कि किसने विलेज लाइफ के मज़े लिए हुए हैं, नानी घर जाके, अपने दादी घर जाके, लाइक अपने अपने कमेंट्स में बताओ। और नानी और दादी का प्यार होता है ना बहुत अलग लेवल पे होता है, मेरा दादी घर तो वही है जहाँ हम दादी साथ में रहते हैं हमारे, और मेरा नानी घर ही है। सो मेरे को तो नानी घर में ये नज़ारे मिल रहे हैं, और आपको कहाँ मिल रहे हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन पे। दोस्तों आप नीचे देख रहे होंगे वो बैठा है बुली, बुली अभी देखना कैसे बोन चिल्लाएगा अपनी, बोली बोले, देखो अभी मैं इसके पास जाऊंगा ना, फिर देखना क्या करता है ये, तो चलो नीचे जाके मिलते हैं इसके पास जाके। सो दोस्तों हम आ चुके हैं बुली के पास, अभी देखो क्या करेगा ये इधर चढ़ जाता है, ये टांग पकड़ लेता है मेरी ऐसे करके, और मेरे को बैठ, मेरे को बोलेगा बैठ जा, ये देखो भाई बिठा दिया इस महाराज जी ने मेरे को, बहुत प्यारा है यार ये, बोली वो बुली, बोली से हाय, बोली बोलो हाय, बोली 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 हेलो कर, बोली हेलो, हाँ ओ हेलो काबू, ये काबू है, काबू हेलो, काबू हेलो कर दे, हेलो ऐसे करना। ये गंदा बेबी है, ये सिर्फ रोता रहता है, गंदा है ये गंदा बेबी है। काबू काबू काव्य काव्य जी सॉरी, मोड़ लूं मैं मेरी राह तेरी राहों में, सांस लूं तो तेरी खुशबू हवाओं में, कैसे कहूं ना जाए तू मेरे ख्याल।